हेलो गुड इवनिंग खुशामदीद और इस प्यारी सी सुरमई शाम के इस खूबसूरत सी आगाज के साथ आपका ये रेडियो दोस्त आरजे आनंद एक बार फिर से हाजिर है आपके अपने रेडियो शो यादों के झरोखा में। जिसे आप सुनते हैं अपने चहेते रेडियो चैनल रेडियो उड़ान पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी दोस्त जानते ही हैं, हम हर शनिवार शाम 7 से 8 लेकर आते हैं आपका ये खूबसूरत सा शो जो पूर्णतया समर्पित होता है हमारी संगीतकारों की आवाज के उस जादूगरों की जीवन से जुड़ी उनकी लाइफस्टाइल, उनके करियर और उनके अवार्डों से जुड़ा। कई बातें होती हैं जो हमारे शो में शामिल होती हैं, साथ ही साथ कई बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें जानने के लिए आपको जुड़े रहना होता है हमारे साथ। हम हर संगीतकारों के जीवन की उन खास बातों को, उन चीजों को अपने शो में पूर्णतया शामिल करते हैं जो हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीख दे ही जाती है। जी, हम सभी जानते हैं इंसान का जीवन संघर्षों के दौर पे गुजरता है, हमारा जीवन भी उसी तरीके होता है। पर दोस्तों उस संघर्ष के बाद कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में एक खूबसूरत सा सवेरा इंतजार कर रहा होता है। जी तो बातों को कहीं और ना ले जाते हुए हम सीधे सीधे आते हैं अपने शो यादों के झरोखा की तरफ, जहां पर आज हम जिस खूबसूरत सी आवाज के बारे में बात करने वाले हैं तो दोस्तों उस आवाज के बारे में हम बात करेंगे। पर चलिए जरा हम भी तो देखें कि आप कितना गैस कर पाते हैं। जी हाँ, आप भी जरा गैस कीजिए और बताइए, आप भी अपने दिमाग में दिमाग के घोड़े को दौड़ा के जरा सोचिए तो आज हम जिस खूबसूरत सी आवाज को अपने शो का हिस्सा बनाने वाले हैं वो आवाज किसकी है। जी और सबसे खास बात जो है वो ये कि हमारे जिन दोस्तों को ये आवाज के जादूगर का नाम नहीं पता, जी हाँ, तो बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं, हम अपने शो में उनका नाम भी बताएंगे और साथ ही साथ उनके करियर, उनके अवार्ड और उनके जन्म से जुड़ी कई ऐसी खास चीजें जो हम शेयर करेंगे आज के हमारे शो के दौरान। तो आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा आपके अपने रेडियो चैनल रेडियो उड़ान पर आरजे आनंद के साथ यादों का झरोखा। खुशी है
ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियां तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है, खुशी है। जी हाँ, इस खूबसूरत सी आवाज के जादूगर का नाम है कुमार शानू। बॉलीवुड की दुनिया में प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया का अगर बात करें तो 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स बैक टू बैक जीतने वाले, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं कुमार शानू जी। और दोस्तों, कई म्यूजिक कंपोजरों और एक के बाद एक हिट ड्यूट सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किया कुमार शानू जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के संगीत के सफर की शुरुआत। तो सबसे पहले हम जानेंगे उनके जन्म से जुड़ी हुई कुछ बातें। कुमार शानू जी का जन्म 20 अक्टूबर 1957 में कोलकाता में हुआ और इनका जन्म का नाम था केदारनाथ भट्टाचार्य। और दोस्तों, सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग भी की थी कुमार शानू जी ने। और इनका पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो कुमार शानू जी के तबला बहुत पसंद था। कुछ और भी बातें हैं उनसे जुड़ी हुई जो आपके साथ शेयर करेगा आपका ये रेडियो दोस्त आरजे आनंद। तो बने रहिए अपने चहेते प्रोग्राम यादों के झरोखा में, जिसे आप सुनते हैं अपने चहेते रेडियो चैनल रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, कुमार शानू जी के पिताजी का नाम था पशुपतिनाथ भट्टाचार्य, जो कि एक बहुत ही अच्छे कंपोजर थे, और उन्होंने संगीत की शिक्षा कुमार शानू जी को बखूबी दी। अगर बात करें
कुमार शानू जी के पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट की यानी कि तबला की। तो कुमार शानू जी को तबला भी इन्होंने ही सिखाया था और कुमार शानू जी को तबला तो इतना पसंद था। और रियाज की अगर बात करें तो कुमार शानू जी घंटों बीत जाते पर तबले का जब तक कि पूरा का पूरा उनका मन भर नहीं जाता तब तक वो तबले से खाने तक की सुध नहीं ले पाते। ये था उनका पसंदीदा शौक। और बात अगर कुमार शानू जी की एजुकेशन की लाइफ के बारे में करें तो उन्होंने कॉमर्स की डिग्री कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ली। और दोस्तों बात करें अगर शुरुआती दौर की कुमार शानू जी की तो कुमार शानू जी सबसे पहले रेस्टोरेंट में अक्सर गीतों को गाया करते थे। धीरे धीरे उनका संगीत कैरियर आसमां की उन ऊंचाइयों को छूने लगा और इनका दौर बदल सा गया। और दोस्तों आज संगीत कैरियर की शुरुआत की बात करें कुमार शानू जी की तो वो हम कह सकते हैं 1979 में इनका एक दौर शुरू हुआ जब इन्होंने संगीत की कैरियर की बुलंदियों को छूने लगे। और कुमार शानू जी की प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत के बारे में अगर बात करें तो बांग्लादेशी फिल्म तीन कन्या जो डायरेक्टेड बाय सिबली शादिक जी ये जो 1986 में बनी। और साथ ही साथ म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में अगर बात करें तो सिंगर जगजीत सिंह जिन्होंने ऑफर किया था एज ए प्लेबैक सिंगिंग के लिए हिंदी फिल्म आंधियों के लिए। जी और उसके बाद कल्याण जी आनंद जी ने शानू जी को एक मौका दिया हिंदी फिल्म जादूगर के लिए एज ए प्लेबैक सिंगिंग के लिए। वेल दोस्तों जब शानू जी ने कंपोजर नौशाद जी रविंद्र जैन हृदयनाथ मंगेशकर कल्याण जी आनंद जी और उषा खन्ना जी और साल दर साल 1990 के बाद जो दौर शुरू हुआ वो वाकई कुमार शानू जी का था क्योंकि उन्होंने एज ए बैक टू बैक पर ईयर जो फिल्म फेयर अवार्डो की जो धूम लिस्ट बनाई थी वो इन्हीं 5 साल के कैरियर की थी। और इन्होंने इस कैरियर के दौरान कई फिल्में जैसे 1990 में बनी फिल्म आशिकी के बाद एक के बाद एक फिल्म फेयर अवार्ड जीते। ये जो फिल्म थी आशिकी जो इनके लिए वाकई लकी साबित हुई जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम शर्मन जी। चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे एक चेहरे ने बहुत एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे दिल का आलम
उससे कुछ बात ना हो पाई है। मैं इशारा भी अगर करता हूँ इसमें हम दोनों की रुसवाई है, इसमें हम दोनों की रुसवाई है। दिल का आलम मैं क्या बताऊँ तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊँ तुझे। के बाद बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगिंग की अगर बात करें तो इन्होंने हिंदी फिल्म साजन जो कि 1991 में बनी थी और उनका तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड जो फिल्म दीवाना 1992 में बनी और चौथा फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म बाजीगर जो 1993 में बनी। एक फिल्म और जो बनी थी 1994 में, फिल्म का नाम था ए लव स्टोरी। और दोस्तों एक रियलिटी शो की बारे में बात करें तो एक रियलिटी शो के दौरान जब उनसे ये पूछा गया कि बैक टू बैक शो का जो ये आपका चल रहा है फिल्म फेयर अवार्ड्स तो इनके बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने सिंपल सा मस्त सा रहने वाले कुमार शानू जी वाकई मस्त मौला से हैं, तो उन्होंने मालूम है क्या जवाब दिया? जी हाँ बिल्कुल, मेरे बताने से अच्छा है आप उन्हीं की जुबानी सुनिए क्योंकि कुमार शानू की आवाज वाकई कमाल की है दोस्तों। तो चलिए हम बातें करेंगे कुमार शानू जी के खास रिकॉर्ड के बारे में, पर उससे पहले जान लेते हैं कि इन अवार्ड्स के बारे में कुमार शानू जी का क्या कहना है। गुड जेस्चर के लिए मेरे को ऐसा लग रहा था कि बार बार मैं आता हूँ और आके वो एक ही क्राउड एक ही अवार्ड वो बार बार लेके मैं, इसलिए मैं थोड़ा सा गुड जेस्चर के लिए बोला था कि किसी और को अगर मिले नेक्स्ट ईयर तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो चलिए हम बातें करते रहेंगे आपके साथ कुमार शानू जी की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ खास बातों और खास पहलुओं को लेकर, पर उससे पहले कीजिए थोड़ा सा इंतजार क्योंकि हम मिलेंगे आपसे इस खूबसूरत से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है मुझे
मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके, कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। धड़कन महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन, सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। Thank you.
वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो यादों के झरोखा में, जिसे आप सुनते हैं अपने चहेते रेडियो चैनल ओनली ऑन रेडियो उड़ान। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि ब्रेक के बाद हम बताएंगे कुमार शानू जी की एक खास रिकॉर्ड्स के बारे में। जी हाँ, तो उनका पहला रिकॉर्ड, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, साल 1990 में, और उसके बाद से लगातार 5 बार फिल्म फेयर अवार्डों से नवाजे जा चुके हमारे कुमार शानू जी। और उनका दूसरे रिकॉर्ड के बारे में बात करें, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन में एक इंसान भला कितने गानों को रिकॉर्ड कर सकता है। जी हाँ, सिंपल सा थोड़ा बहुत तो गाना हम भी जानते हैं, बट एक दिन में 28 गानों के प्लेबैक सिंगिंग की थी। जी हाँ, ये एक ही दिन में 28 गीतों को अलग अलग रिकॉर्ड करने वाले हमारे कुमार शानू जी के नाम ये एक अनोखा रिकॉर्ड है। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रॉपर खुद को कितना मेंटेन कर रखा होगा कुमार शानू जी ने। दोस्तों, चलिए बातें हैं जो एक नजर हम डालते हैं उससे पहले कि उन्होंने किन किन कंपोजरों के साथ काम किया। तो दोस्तों, हमारा जो स्टूडियो में रखा हमारा कंप्यूटर है, नाम दिखाई दे रहा है कंपोजरों की लिस्ट में, तो वो है नदीम शरवण जी के साथ। इन्होंने नदीम शरवण जी के साथ कई फिल्मों के गीतों को अपनी आवाज दी। उन गीतों में फिल्म आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, दीवाना, सलामी 1993 में बनी, दिल का क्या कसूर जैसी हिट फिल्मों के गीतों के लिए इन्होंने म्यूजिक को रिकॉर्ड किया। और दोस्तों, कई और भी फिल्में जैसे दिलवाले, जीत, परदेश, दिल है तुम्हारा, दिल का रिश्ता, इंडियन, अंदाज, राजा हिंदुस्तानी जैसी हिंदी की हिट फिल्मों के गीतों में अपनी आवाज के जादू को बिखेरा कुमार शानू जी ने। और भी कई कंपोजर हैं जिनके साथ कुमार शानू जी ने काम किया, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, पर अभी सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत उन्हीं की आवाज में। तो बने रहिए अपने रेडियो दोस्त आरजे आनंद के साथ और सुनते रहिए यादों का झरोखा। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास, कोई रहता है वो हो तुम। I'm
तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से मर न जाओ कहीं मर न जाओ नजर के सामने जिगर के पास नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम नजर के सामने जिगर के पास दोस्तों अगर बात करें तो कुमार शानू जी की तो जतिन ललित जी के साथ भी हिंदी फिल्म की कई हिट गानों की लिस्ट दी। जी हाँ, खिलाड़ी, राजू बन गया जेंटलमैन, खामोशी, कुछ कुछ होता है, प्यार तो होना ही था, दिल क्या करे, सरफरोश जैसी हिट फिल्मों के गीतों में अपनी आवाज दी कुमार शानू जी ने। दोस्तों आवाज के बारे में बात करें तो कुमार शानू जी की एक मदहोश कर देने वाली आवाज वो वाकई कमाल की थी। आज भी उनके गीतों में एक नयापन अपनापन झलकता सा महसूस होता है। जी हाँ दोस्तों, कंपोजर अनु मलिक जी के साथ भी इन्होंने कई फिल्मों के गीतों के हिट सॉन्गों की लिस्ट दी, जैसे फिल्म बाजीगर, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इम्तिहान, विजय पथ इन 1994 में, तमन्ना 1997 में, डुप्लीकेट 1998 में, फिदा, नो एंट्री इन 2005 में, और भी कई फिल्मों के सुपर डुपर हिट सॉन्गों की लिस्ट है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है वो ये कुमार शानू जी के बारे में, मस्त से रहने वाले कुमार शानू जी और भी कई कंपोजर ऐसे हैं जैसे आरडी बर्मन साहब, बप्पी लहरी, आनंद मिलन साहब, हिमेश रेशमिया, आनंद राज आनंद, आदेश श्रीवास्तव, विशाल भारद्वाज, नुसरत फतेह अली खान जैसे कई कंपोजरों के साथ काम किया और संगीत की दुनिया को एक नया आयाम भी दिया। दोस्तों आवाज जो संगीत की दुनिया की है वाकई कुमार शानू जी ने
एक अंदाजे बयां अलग ही की थी। तो कई और भी बातें हैं कुमार शानू जी के जीवन से जुड़ी, वो सारी आपके साथ शेयर करूंगा, पर उससे पहले सुन लेते हैं उन्हीं की आवाज में ये प्यारा सा गीत जो हमारे दिल को छू सा लेने वाला है। तो चलिए बिना एक पल देर किए हम सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत उन्हीं की आवाज में।
आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ वर्ल्ड नंबर वन इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड. सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान. बॉलीवुड म्यूजिक के साथ अनप्लग्ड गानों की बौछार. दिल्ली, मुंबई, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, अब मुकेश कराएगा आपको पूरी इंडिया का दीदार. तो सुनिए दीदार हिंदुस्तान शाम 7 से 8 हर गुरुवार. दीदार हिंदुस्तान आपके अपने दोस्त मुकेश के साथ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. ये संडे क्यों आता है? अरे रे रे, एक मिनट. सॉरी फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बता रहा कि आज शनिवार शाम को 7 से 8 शो देने के बाद आज आपका जो नेक्स्ट डे होने वाला है वो है संडे. ऐसा मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं है, वैसे भी ऐसा होने वाला है, मेरे हिसाब से तो बदलने वाला है नहीं. पर दोस्तों, आज जिस दौर के बारे में बात कर रहे थे, हम वहीं पर आते हैं. तो बातों को हम यूं इधर उधर ना ले जाते हुए हम आपको ये बताते हैं कि हमारा जो कुमार शानू जी का आज का जो अपना शो है, तो उस शो के दौरान हम ये भी बता दें कि हमारे कुमार शानू जी ने प्रोड्यूसिंग की बात भी की थी. जी हाँ, और प्रोड्यूसिंग की अगर बात करें कुमार शानू जी की, तो हिंदी फिल्म उत्थान एज ए प्रोड्यूसर इन्होंने फर्स्ट फिल्म बनाई थी, और इनकी दूसरी फिल्म बनी थी जो 4 बच्चों पर आधारित फिल्म थी. और दोस्तों, ये फिल्म का नाम था ये संडे क्यों आता है. और इस फिल्म की जो स्टोरी थी वो थी 4 बच्चों पर आधारित. ये वो 4 बच्चे थे जो ट्रेनों में या बसों में अक्सर गलियों में पॉलिश किया करते हैं. जी हाँ, ये उन 4 बच्चों पर आधारित फिल्म थी. और इस फिल्म में जो मेन लीड रोल कैरेक्टर था वो था मिथुन चक्रवर्ती जी का. और दोस्तों, बात अगर और भी कुछ करें तो कुमार शानू जी ने 2012 में सारे गामा पा के लिटिल चैंप के जज भी रहे, और साथ ही साथ इन्होंने हम और तुम के लिए एक सॉन्ग भी रिकॉर्ड किया. तो चलिए सबसे पहले डालते हैं एक नजर उनके टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुए गीतों पर. जो फिल्म जुर्म का एक गीत, जब कोई बात बिगड़ जाए, जो 1990 में साधना सरगम जी के साथ और म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन जी के साथ था. और दोस्तों, फिल्म 1990 में बनी आशिकी, जिसका एक सोलो गीत नदीम सरवन जी की म्यूजिक डायरेक्शन में, और साथ ही साथ इसी फिल्म के और सोलो गीत दिल का आलम, अब तेरे बिन, बस एक सनम चाहिए, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, और तू मेरी जिंदगी है, मैं दुनिया भुला दूंगा, जाने जिगर जाने मन, अनुराधा पौडवाल जी के साथ, और नजर के सामने जैसे हिट गानों को रिकॉर्ड किया था, जो सारे के सारे गाने टॉप 10 सॉन्ग की लिस्ट में शामिल हैं. और दोस्तों, इनका एक गीत मैं दुनिया भुला दूंगा, बात करें तो वाकई इतना कमाल का सॉन्ग था, तो उस वक्त हर जगह उसी गाने की धूम सी मची थी. दोस्तों, ये गीत मैं दुनिया भुला दूंगा, जो उस जमाने का बहुत ही हिट गाना था, जो आज भी है. पर दोस्तों, इस गीत के बारे में एक अजब सी घटना थी. जी हाँ, ये घटना मैं आपको सुनाता हूँ, पर उससे पहले एक खास चीज जो आपको बतानी है मुझे, ये बात है उन्हीं के जुबानी, अगर सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा. तो चलिए बिना एक पल देर किए हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत उन्हीं की आवाज में,
और उसके बाद हम बताएंगे कि ये गीत मैं दुनिया भुला दूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी कहानी है जिसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। चलिए कीजिए इंतजार, मिलते हैं म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत। वेल दोस्तों, हम बात कर रहे थे कुमार शानू जी के गीत मैं दुनिया भुला दूंगा की स्टोरी के बारे में। जी हाँ, ये गीत उस समय इतना पॉपुलर हुआ था कि उसके बारे में कुमार शानू जी के एक रियलिटी शो के बारे में इन्होंने बताया। बहुत दुखद कहानी है क्या कि मैं शो करने गया था वहाँ पे पटना में, तो अचानक मैं स्टेज पे गाया एक गाना, मेरे को बहुत पसंद आया। उससे पहले तीन चार लोग सामने बैठे हुए थे AK-46 राइफल लेके, तो ऐसा करके गोद के ऊपर लेके और ऊपर मुंह ऐसा नल ऊपर ऐसा कर कि कुछ होता है तो फिर ऐसा करके खटास और जोर से आवाज हो रहा है, तो तंबू के ऊपर से तीन चार छेद ऑलरेडी हो चुका है, तो गाना अच्छा लगता है तो फायर करते हैं। मैं दुनिया भुला दूंगा मैं गाया,
तो मेरे गाने के बाद मैं गाना खत्म किया, जैसे ही दूसरा गाना पकड़ने जाऊंगा वो आके ना ना खानू जी ये मेरा पसंदीदा गीत है, ये मेरा पसंदीदा गीत है, ये आपको किसने स्टॉप किया? तो जो ड्राम बजाने वाला था वो स्टॉप कर दिया, तो वो अचानक पैर ऐसा सकने लगा, बोलता है मैंने स्टॉप नहीं किया, मैं तो चालू है, मैं चालू है। जो कीबोर्ड में था वो बेचारा हाथ ऐसा ऐसा कर रहा था, अचानक कीबोर्ड में हाथ लगा कर, नहीं मैं भी हूँ, मैं रेडी हूँ। बोलता बस थानू जी ये गाना दोबारा सुनाओ मेरे को, ये गाना मेरा पसंदीदा गीत है, मेरे को सुनाना ही पड़ेगा। तो हम बोला भाई साहब मैं दूसरा गाना गा रहा हूँ आपके लिए, बहुत अच्छा गाना है दूसरा गाना। ना 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 मेरे को तो वही गाना चाहिए, मेरे को वही गाना चाहिए, वही गाना चाहिए। ए बलराम, तो बलराम उधर से हाय भाई मैं इधर हूँ। हम बोला भैया वो गान लेके दिखा रहा है, बोलते मैं इधर हूँ। हम बोला तुरंत मैं दुनिया भुला दूं, तो शुरू कर दिया। तो स्टेज के ऊपर ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, मैं जैसे ही खत्म होने जा रहा है फिर चिल्ला रहा है कौन, फिर चार बार में कम से कम नहीं तो 16 अंतरा मैं गा दिया ऑलरेडी, एक ही अंतरा चार चार बार रिपीट करके। फिर मैं आगे आया, मैं आगे बोले भाई साहब अब ना आ अब मैं ड्राम बजाऊंगा, मैं ड्राम बजाऊंगा आप गाओगे। हमने कुछ नहीं बोला, वो जल्दी जाके ड्राम वाले को उठाया, सीधा उठा के बाजू में किया, बाजू में करके वो बैठे, बैठ के इधर से ढूम मार रहा है, उधर से ठह मार रहा है, इधर से फटास, इधर से ढूम, ये सब कर रहा है। और वो मैं आयुब खान बोल के एक लड़का मेरे साथ जाता था गाना गाने के लिए, उसको बोला तू जाके आज से माइक पकड़ा, मैं दुनिया भुला दूंगी गा, वही गा। वो ड्राम में इतना बिजी ना, वो ढूंढ रहा है इधर मार के, फिर ढूंढ रहा है इधर उधर, उधर से वो एक मारा, उधर से ऐसा करके फिर इधर एक मारा, फिर पैर से थोड़ा सा ऐसा ऐसा किया, फिर ढूंढ 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 किया, और उधर वो लोग बजा रहे हैं और इधर आयु गा रहा है, वो सोच रहे हैं कि मैं ही गा रहा हूँ। मैं पीछे से ऐसा करके गाड़ी में बैठा, और गाड़ी में बैठ के सीधा मैं, दो लड़की थी, मैं बोला चलो तुम लोग अभी माहौल गर्म हो रहा है, चला गया होटल, बाजू में ही होटल, होटल में चला गया, होटल में जाके रात भर सुबह 5 बजे तक गोली का आवाज सुना मैंने। दोस्तों कितनी मजेदार बात है, दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं। ये वाकई अब तो सुन के वाकई लगता है कि दुनिया किसी अजब गजब से कम नहीं है। जी हाँ, और दोस्तों हम बात कर रहे थे कुमार शानू जी की टॉप 10 हिट सॉन्गों की लिस्ट के बारे में, तो उनका टॉप 10 गाना था ए लव स्टोरी गीत, जी हाँ कुछ ना कहो, जो कि एक सोलो गीत था जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे आरडी बर्मन साहब और गाने के बोल लिखे थे जावेद अख्तर साहब ने। तो चलिए एक और न्यूज हम बताते हैं कुमार शानू जी के बारे में। और दोस्तों अगर बात करें कुमार शानू जी के बारे में, तो कुमार शानू जी ने पॉलिटिक्स को भी ज्वाइन किया था। जी हाँ, इन्होंने अपने एक पॉलिटिक्स कैरियर के दौरान भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन किया था 2004 में। तो बातें हैं जो कुमार शानू जी के जीवन से जुड़ी, करते रहेंगे आपके साथ आपके अपने रेडियो शो यादों के झरोखा में। तो कुमार शानू जी के उससे पहले हम डालते हैं एक नजर उनके अवार्ड्स के बारे में। जी हाँ, 1999 में जी गोल्ड अवार्ड फॉर अनोखी गुस्ताखियां, और 2000 में MTV अवार्ड्स के लिए भी इन्हें नॉमिनेट किया गया था, और 1997 में BFJA अवार्ड्स भी इन्हें मिला था फिल्म लाठी के लिए। और दोस्तों 1995 की अगर बात करें तो इन्होंने स्क्रीन अवार्ड्स फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स के लिए भी एक लड़की को देखा के लिए इन्हें मिला। वेल दोस्तों बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा आपके अपने रेडियो शो यादों के झरोखा में, तो आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो शो यादों का झरोखा ओनली ऑन रेडियो उड़ान। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। दोस्तों हर स्टेटस और मस्ती, धूम, सोलो जैसे गीत गाने वाले शानू जी, ड्यूट सॉन्ग की लिस्ट के बारे में बात करें
तो कुमार शानू जी ने वैसे तो कई फीमेल सिंगर्स के साथ काम किया, जिनमें से साधना सरगम, अनुराधा पौडवाल, आशा जी जैसी संगीत की दुनिया की सबसे बेहतरीन सिंगर्स के साथ है। और दोस्तों, अगर उनके ड्यूट सॉन्ग की लिस्ट के बारे में बात करें, नाम तो वैसे कई हैं। और दोस्तों, सबसे ज्यादा कुमार शानू जी के गीत अलका याग्निक जी के साथ ही होते थे। तो दोस्तों, जब ये बात कुमार शानू जी से ये बात एक रियलिटी शो के दौरान पूछी गई, तो उन्होंने बताया कि अलका जी का जो वॉइस फ्रीक्वेंसी है और जो वॉइस फ्रीक्वेंसी है बहुत मैच होता है। एक हीरो के आवाज में हीरोइन की आवाज एक मैच होता है। तो हीरो और हीरोइन जब चूज किया जाता है फिल्म के लिए, तो दोनों का मैच करके चूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि हीरोइन बहुत लंबा है और हीरो एकदम ठिंगना। दोस्तों, वक्त यूं गुजरता रहा, कारवां भी निकलता सा रहा, बातें थी कुछ अनकही सी अनजानी सी, पर वक्त के आगे सब हल्का सा लगने लगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है हमारे और आपके साथ, क्योंकि जब हम आपके साथ आपके अपने शो यादों की झरोखा को लेकर आते हैं, तो वक्त का पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम भी आ चुके हैं समय के उस पड़ाव पर, जिस समय हमें हमारे स्टूडियो की घड़ी बताती है ये वक्त होता है हमें आपसे विदा लेने का। तो जहां तक विदा लेने की बात है, तो हम लेंगे तो आपसे विदा, पर लेकिन उससे पहले आपसे करते हैं एक वादा कि अगले शनिवार भी सुनना ना भूलिएगा आपका अपना शो यादों का झरोखा, ओनियन 7 to 8 PM रेडियो उड़ान पर। वेल, लेट्स एंजॉय द सॉन्ग फ्रॉम द वॉइस ऑफ कुमार शानू। शर्माना धीरे धीरे से दिल को चुरा।